दिस सूरज वेलकम बैक टू माय चैनल आल्स वी सूरज आई होप यू गाइस आर वेल गाइस जो हमारे न्यू क्यू कार्ड्स है जंबो क्यू कार्ड्स प्रोनाउंसिएशन पार्ट वन न्यू टॉपिक्स ईडीएम सभी का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है विद इजी एंड बेस्ट आइडियाज उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो दिए हुए नंबर पर सो so, आज का जो हमारा क्यू कार्ड है जैन डिस्क्राइब यूर एक्सपीरियंस वैन यू चेंज योर स्कूल और कॉलेज अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए जब आपने स्कूल और कॉलेज चेंज किया हो या फिर ये क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एंड एक्सपीरियंस अबाउट मूविंग टू अव स्कूल और हाउस अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए जब आपने नए स्कूल या फिर हाउस में मूव किया हो घाज दिस इज़ वन ऑफ न्यू क्यू कार्ड्स एंड जो अभी न्यू अपडेट हुए हैं जैन टू अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू के उन्हीं में से ये एक क्यू कार्ड है इसे अच्छे से प्रपेयर कर लीजिए आपको यह एग्जाम में देखने को मिल सकता है एंड आगे हम इसके बुलेट पॉइंट्स पर मूव करते हैं वाई डिड यू चेंज यूर स्कूल आपने अपना स्कूल क्यों चेंज किया वेन वॉज इट या कब की बात है वॉज दैट हेल्पफुल क्या वो मददगार था लास्ट वन इज वट वर द दीक्वेंस आफ्टर दैट उसके बाद उसके क्या नतीजे थे क्या गाइज हम आगे हम इस क्यू uh, कार्ड को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे लास्ट तक देखिएगा अगर आप न्यू गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है और हमारा जो फाइनल वर्जन पी डी एफ है वो भी अवेलेबल हो चुका है सो so, स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन वेल आई हैव स्टडीड इन टू डिफरेंट स्कूल वेल मैं दो अलग अलग स्कूलों में पढ़ा हूँ फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी स्कूल पहला जो प्राइमरी स्कूल है और दूसरा सेकेंडरी स्कूल है हेर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस वेन आई मूव टू न्यू न्यू स्कूल आज मैं अपने उस एक्सपीरियंस की बात करने जा रहा हूँ जब मैंने नए स्कूल में मूव किया आई रिमेंबर मुझे याद आया आफ्टर माई फिफ्थ क्लास मेरी पाँचवीं कक्षा के बाद आई हैव टू मूव इन सेकेंडरी स्कूल टू गेट हायर एजुकेशन मुझे सेकेंडरी स्कूल में मूव करना पड़ा हायर एजुकेशन के लिए बिकॉज इट वॉज प्राइमरी स्कूल क्योंकि यह वह अकेला प्राइमरी स्कूल था द नेम ऑफ माई स्कूल वॉज एस वी एम उस स्कूल का नेम एस वी एम था इट वॉज लेस देन वन किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम यह एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर था मेरे घर से नो no डाउट कोई शक नहीं इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट स्कूल्स इन माय होम टाउन वह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट स्कूलों में से एक था मेरे शहर में इन एडिशन इसके अलावा द स्टाफ वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड वेल एजुकेटेड जो स्टाफ था वह बहुत कोऑपरेटिव एंड वेल एजुकेटेड था इट वॉज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर माई पेरेंट्स टू चूज़ न्यू स्कूल फॉर मी यह आसान नहीं था मेरे पेरेंट्स के लिए नया स्कूल चूज करना एज दे टोल्ड मी उन्होंने मुझे बताया दे टुक अराउंड टू वीक्स टू फाइनलाइज माई न्यू स्कूल उन्होंने लगभग दो सप्ताह हफ्ते लिए मेरा नया स्कूल फाइनलाइज करने के लिए आफ्टर दैट उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन आर्ट्स इंटरनेशनल स्कूल विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली थ्री किलोमीटर्स फार फ्रॉम माई होम उसके बाद मैंने एडमिशन आर्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में लिया जो कि लगभग कि तीन किलोमीटर दूर था मेरे घर थे घर से आई यूज टू विजिट माय न्यू स्कूल बाय स्कूल वैन मैं अक्सर स्कूल अपने नए स्कूल बाय स्कूल वैन जाता था वैन वेंट ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब मैं सबसे पहले दिन गया आई वॉज टू नर्वस मैं बहुत नर्वस था ऑन द सेम टाइम उसी टाइम आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ न्यू स्कूल मैं दूसरी तरफ एक्साइटेड भी था नए स्कूल का पार्ट होने की वजह से एक्चुअली एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर मी मेरे लिए सब कुछ नया था इवन आई डिड नो अबाउट माई क्लास मुझे अपने क्लास के बारे में भी नहीं पता था आई आस्क फ्रॉम प्योन अबाउट माई क्लासरूम मैंने वहाँ पियोन से चपरासी से अपने क्लास के बारे में पूछा आफ्टर एंट्रिंग इन क्लास क्लास में एंटर करने के बाद आई मेट विद अ स्टूडेंट हु न्यू इन स्कूल लाइक हुई मैं एक वहाँ विद्यार्थी से मिला जो मेरी ही तरह स्कूल में नया था He made me comfortable because I was getting too much nervous. Uh, उसने मुझे comfortable किया because मैं बहुत ज़्यादा nervous हो रहा था. As well as we took breakfast together in break. इसके साथ ही हमने breakfast भी साथ में लिया break में. Since that time, उस समय से ही we are now good friends. हम अब अच्छे दोस्त हैं. Apart from this, इसके लावा the building of my new school was much bigger than primary school along with big playground जो मेरे बिल्डिंग uh, थी नए स्कूल की वो बहुत बड़ी सी प्राइमरी स्कूल थे कंपेयर कर, करें तो uh, इसके साथ ही बड़ा प्ले भी था बिल्डिंग वॉज फुली सिक्योर्ड विद सिक्योरिटी बिल्डिंग पूरी तरह से पूरी तरह से सिक्योर थी सिक्योरिटी सिस्टम से ऑल्सो ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स वर आर अवेलेबल विच रिक्वायर्ड फॉर विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर स्कूलिंग और इसके साथ ही सभी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल थी जो एक प्रॉपर स्कूलिंग के लिए चाहिए होती है आई फील इट वॉज रियली अ गुड डिसीजन बाय माई पेरेंट्स मुझे फील होता है कि यह बहुत अच्छा एक डिसीजन था मेरे पेरेंट्स द्वारा आई स्पेंड सेवन ईयर इन माई न्यू स्कूल एंड लर्न अलाट ऑफ वैल्यूबल थिंग्स अलॉन्ग विद बेटर एजुकेशन मैंने वहाँ पर सात साल गुजारे हैं और मैंने बहुत सारी वेल्यूएबल चीज़ें सीखी है बेटर एजुकेशन के साथ एंड आई मेड मैनी न्यू फ्रेंड्स हु आर स्टिल इन टच विद यू और मैंने वहाँ पर बहुत सारे नए दोस्त बनाए जो अभी भी मेरे साथ टच में ऑल इन ऑल इट वॉज रियली अ गुड एक्सपीरियंस टू मूव एंड गेट एजुकेशन इन न्यू स्कूल लास्ट में यही कहूँगी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है मूव करना एंड एक अच्छी और एजुकेशन लेना न्यू स्कूल में थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस यू गाइस कैन कांटेक्ट ऑन मेंशन नंबर एंड Instagram आईडी फॉर स्पेशल स्पीकिंग पीडीएफ यू गाइस कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन गिवन नंबर थैंक यू सो मच डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब